फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस, जहां पे मैंने आपको बताया था बेसिक क्वेश्चंस वगैरह और कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एलसीएम लेते हैं। तो जो बच्चे नए हैं, जो ये वीडियो पार्ट टू देख रहे हैं, वो पहले पार्ट वन देख लें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पार्ट वन वीडियो देख लें पहले, उसके बाद पार्ट टू पर आइएगा। तो कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं टाइम एंड वर्क के। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस से। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है ये कि पी इज़ ट्वाइस गुड एज क्यू। मैंने बताया था, इसमें ये कह रहा है कि पी जो है दो गुना एफिशिएंट है क्यू से, एंड दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, और दोनों साथ में मिलके 36 डेज में काम को ख़त्म कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पी अलोन टू फिनिश द वर्क, तो पी को अकेले काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे। सेम प्रीवियस वीडियो में जो एक क्वेश्चन था मैंने आपको बताया था, वैसा ही है। तो देखते हैं अपन कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं पी की एफिशिएंटी क्यू के साथ के एक रिलेशन दिया हुआ है। तो पी इज़ ट्वाइस एफिशिएंट एज क्यू, ये हमारे पास एफिशिएंसी का एक डेटा गिवन है, ठीक है। और बोल रहा है वो कि पी और क्यू साथ में मिलके 36 डेज में काम को ख़त्म कर रहे हैं। तो पी प्लस क्यू जो है 36 डेज में काम को ख़त्म कर रहे हैं। तो जब एक ही डेटा है तो हमारे पास जो टोटल वर्क है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, टोटल वर्क हमारे पास 36 ही होगा। और जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का मैंने आपको फार्मूला बताया था, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। तो एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे, एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी टोटल वर्क दिया है और ये हमारे पास डेज है, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, तो एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास एफिशिएंसी 1 आ चुकी है। अब देखिए, पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी हमारे पास 1 है, क्योंकि एफिशिएंसी को एफिशिएंसी से इक्वेट करेंगे, इसलिए हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी हमारे पास 1 है, ठीक है, ये पहला। और पी इज़ इक्वल टू 2Q, पी इज़ इक्वल टू 2Q, ये हमारे पास दूसरी एफिशिएंसी का डेटा गिवन है। अब वो कह रहा है कि पी अकेले अगर काम को करता है तो कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा। तो हमारे पास अभी भी इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं है किसी के पास, ठीक है। दो इक्वेशन, दो अनोन हम निकाल सकते हैं। तो जब हमें पी की एफिशिएंसी चाहिए तो हम क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो पी इज़ इक्वल टू 2 और क्यू की एफिशिएंसी, क्यू की जो पहले इक्वेशन से हम क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यू इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी सॉरी पी इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2P, इधर जाएगा तो 3P इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। पी यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2/3, ये आ गई एफिशिएंसी हमारे पास पी की। तो अब बस वही है, एफिशिएंसी बता चुके हैं हम आपको, एफिशिएंसी इक्वल टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, ये है। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 36। एफिशिएंसी कितनी है, कितनी निकाली हमने पी की, 2/3, और नंबर ऑफ डेज हमें निकालना है एक्स। तो ये देखिए, 2 × 2 = 16, और ये x हो जाएगा 8 × 24, और 3 × 3 = 5, 54 डेज, ये आ गई हमारे पास जो p है, पूरे 54 डेज में टोटल वर्क को काम ख़त्म करेगा अकेले। सॉल्यूशन देख लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। p की एफिशिएंसी का रिलेशन दिया था हमारे पास 2Q, ठीक है। पी प्लस क्यू 36 डेज में काम को ख़त्म कर रहे हैं, टोटल वर्क 36 डेज आ जाएगा, एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया और दो अनोन है, पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी 1 है और पी की एफिशिएंसी 2×Q है। तो पी का चाहिए हमें, तो क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, तो हमारे पी की एफिशिएंसी आ जाएगी, पी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो बस हम फार्मूला लगा देंगे, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, बस वैल्यू पुट करेंगे, 54 डेज आ जाएगा। सो बढ़ते हैं अपन आगे क्वेश्चन की ओर। सो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से आप। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास, कह रहा है पी क्यू आर कैन कंप्लीट वर्क फॉर ₹21,000, ठीक है। पी क्यू एंड आर कैन अलोन कम्प्लीट वर्क इन 20 डेज, 30 डेज एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली, विद द हेल्प ऑफ डी दे कम्प्लीट वर्क इन 8 डेज,
अमॉन्ग द फोर हु गेट्स हाइएस्ट शेयर एंड हाउ मच। कह रहा है पी क्यू आर कोई काम को कर रहा है जिसे उसे 21,000 में रखा गया है, 21,000 में तीनों को रखा गया है, और जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं पी क्यू आर वो 20 days, 30 days एंड 60 days में कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अब वो पी क्यू आर तो कर रहे थे लेकिन उनने क्या किया, डी का हेल्प लिया उनने, तो डी की हेल्प से वो टोटल काम जो है वो 8 दिन में ख़त्म कर रहे थे। तो अब ये पूछ रहा है जो शेयर है सबसे ज़्यादा किनको मिलेगा, तो अपन देखते हैं क्वेश्चन के साथ चलते हैं। पी क्यू आर के शेयर दिया हुआ है, ये अपन यूज़ बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले पी जो है कोई काम को कितने दिन में, 20 days में ख़त्म कर रहा है, क्यू जो है 30 days में कर रहा है, और आर जो है 60 days में कर रहा है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डेज। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं जो टोटल वर्क आएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 20 के सामने हम लिखेंगे 30 और 60, 30 के सामने लिखेंगे 20 और 60, और 60 के सामने लिखेंगे 20 और 30। अब जब तक कटेगा तब तक काटेंगे हम। तब ये देखिए 21 जो 20, 21 जो 20, 23 जो 60। ठीक है, ये हो गया। अब क्या और कटेगा क्या, हाँ ये कटेगा 30, 30 से 2 और 31। ठीक है, अब नहीं कटेगा। अब कोई भी एक रो को आप पकड़ लीजिए, कोई भी एक रो को अब जिसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा वो सेम आएगा। तो अब ये देखिए 20 × 360, 30 × 260, 60 × 160। तो जो हमारे पास टोटल वर्क है वो 60 आया, जो हमारे पास टोटल वर्क है, जो एलसीएम आया हमारे पास, सॉरी जो हमारे पास एलसीएम आया वो हमारे पास कितना आया, वो 60 आ गया हमारे पास टोटल वर्क। अब क्या करते हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए, हम टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ डेज से। तो 60 / 20 = 3, 60 / 30 = 2, 60 / 61। ये आ गया हमारे पास एफिशिएंसी, अब क्या करते हैं, अब देखिए अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। सबसे मेन हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है तीनों की, सबसे पहला काम। ठीक है, एफिशिएंसी आने के बाद हम क्या करेंगे, वो ये कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ डी दे कंप्लीट वर्क इन 8 days। दैट मीन्स पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस डी ये साथ में मिल के काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं, 8 days में। ये हमें डेटा गिवन है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें क्या था, नंबर ऑफ डेज निकालने थे, लेकिन इसमें क्या है, इसने दे दिया है कि 8 दिन में ये पूरे काम को ख़त्म कर रहे हैं, और ये टोटल वर्क फॉर्मूला लगाया मैंने। अब पी क्यू आर की एफिशिएंसी हमें पता है 3, 2, 1, तो ये हम रखते हैं यहाँ पे 3, 2, 1, सॉरी 3, 2, 1 हो गया। तो ये अब प्लस 3, 2, 1 हो गया हमारे पास, और प्लस डी की एफिशिएंसी नहीं पता है तो हम डी लिख देते हैं। तो 8 दिन में ख़त्म, और टोटल वर्क हमें पता है, टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 60 है। ठीक है, अब देखिए ये 3, 2, 5 और 6 हो गया, 6 + D (x = 60), तो ये हो जाएगा 4, 2 = 8, 4, 1 = 4, 4, 5 = 20। ठीक है, तो अब देखिए ये हो जाएगा आपका 6 + D, और ये हो जाएगा 15/2। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेंगे, डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू आएगी 15/2 - 6, तो ये हो जाएगा D = 15 - 12/2, This is equal to 3/2। ये हमारे पास क्या आई, डी की एफिशिएंसी आ गई 3/2, क्योंकि हमें हाईएस्ट पेड निकालना है कि सबसे ज़्यादा किसे मिलेगा, तो डी की एफिशिएंसी आ गई। पी क्यू आर की एफिशिएंसी हमें पता थी, अब हम रेशियो के हिसाब से लेंगे, जैसे पी क्यू आर और डी। अब देखिए पी की एफिशिएंसी हमें पता थी, पी की एफिशिएंसी कितनी थी 3, क्यू की थी 2 और आर की थी 1, तो हम वैल्यू रखते हैं, पी की थी 3, क्यू की थी 2, आर की थी 1, और डी की कितनी थी, डी की थी 3/2। अब ये रेशियो है, रेशियो को हम सॉल्व करते हैं। रेशियो कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिए ये 3/2 है, तो एक काम कीजिए ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ से अगर 2 को पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बचेगा। ये हमारे पास आ गई एफिशिएंसी, क्योंकि जो पैसे मिलेंगे वो एफिशिएंसी के हिसाब से मिलेंगे कि किसकी कौन कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमें टोटल वेज दिया हुआ है 21,000 रुपये टोटल दिया हुआ है। अब इसमें से हम कैसे करेंगे,
कि अब ये देखिए 21,000 टोटल दिया है, लेकिन एफिशिएंसी क्या आई हमारे पास 6, 4, 10, 2, 12, 3, 15, तो 15 टोटल एफिशिएंसी आई है हमारे पास, लेकिन जो 15 की एफिशिएंसी है सबकी उनने कितना दे रखा है 21,000 रुपये दिया है उनने टोटल। तो एक वैल्यू का डेटा निकाल लेते हैं अपन कि 1:1 बराबर क्या होगा, तो 3 5 5 3 से काटते हैं, 5 3 15, 5 4 20, 5 2 10 00, और 3 से काटेंगे 3 1 3, 3 4 12 00, तो ये हमारे पास 1:1400 आ गया। बस ये आ गया हमारे पास, अब उसके बाद कुछ नहीं करना, हमें रेशियो पता है, हमें निकालना था सबसे ज़्यादा किसे मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है हम ये नहीं भी निकालते फिर भी हमें पता चल रहा था रेशियो के हिसाब से। ये देखिए अगर हम 1400 है, 1400 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वेजेस का निकल जाएगा वैल्यू, जैसे 1400 है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, 8400 रुपीज़ मिलेगा पी को। उसी तरीके से क्यू का था 4, क्यू था आपका 4, तो 1400 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 5600 क्यू को मिलेगा, उसी तरीके से आर को मिलेगा, उसी तरीके से डी को मिलेगा। खैर निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी इसमें, सबसे इसने यही पूछा सबसे ज़्यादा किसे मिलेगा पी क्यू आर को, तो आप जब एफिशिएंसी निकाल लोगे रेशियो का तो यहाँ रेशियो से ही पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, पी है, तो सबसे ज़्यादा वेज पी को ही मिलेगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ये, आप किसी किसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि पी को कितना शेयर मिलेगा या क्यू को कितना मिलेगा, आर को कितना मिलेगा, डी को, फिर आप क्या करते हैं 1:1 बराबर आप निकाल चुके हैं 1400, तो बस 1400 को मान लीजिए पी के क्यू के बारे में पूछता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, डी के बारे में पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई कर। तो ये आपकी पूरी आ गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आप रिपीट कर लेना, देख लेना, कोई भी डाउट हो कमेंट ज़रूर करना, आप कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की ओर, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली, दे गॉट कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट द वर्क फॉर 75,000, द शेयर ऑफ बी, इसमें पूछा शेयर ऑफ बी पूछा है। तो सबसे पहले अपन एफिशिएंसी निकालते हैं, जो अपना नॉर्मल मेथड है जो हम यूज़ करते आ रहे हैं वही करते हैं। इंडिविजुअल दिया हुआ है, ए 15 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है, तो ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में, ठीक है। तो ये आ गया डेज, डेज के बाद अपन क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं, वैसे जो बच्चे निकाल सकते हैं 30 इसका एलसीएम आ जाएगा टोटल वर्किंग डेज, वैसे नहीं तो 15 के आगे 10 लिख दीजिए, 10 के आगे 15 लिख दीजिए, इसको काट दीजिए 5 3 15, 5 2 10, तो ये क्या आ जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, या फिर इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस रो को या फिर इस रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 आ जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क आने के बाद अपन एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एफिशिएंसी क्या होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, तो 30 डिवाइडेड बाय 15 2, 30 डिवाइडेड बाय 10 3, ये आ गया हमारे पास एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी आने के बाद अपन क्या करेंगे कि जो दोनों ए और बी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना 75,000 का मिला है, कि दोनों को 75,000 मिलेंगे, अब किसको कितना मिलेगा वो तो एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगा किसकी कितनी एफिशिएंसी है, है ना। तो एफिशिएंसी ए की 2 है, बी की 3 है, तो मतलब टोटल एफिशिएंसी 5 ए प्लस बी, एक मिनट रुकिएगा, ए प्लस बी की जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो मिला है 75,000, ठीक है। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 प्लस 2 5, तो 5 यूनिट बराबर 75,000। अब 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 5 5 5 5 5 25, 15,000। अब ये 15,000 आ गया, तो 15,000 1:1 के बराबर आया है। तो अब शेयर ऑफ बी निकालना है, शेयर ऑफ बी क्या होगा, शेयर ऑफ बी मतलब 3, एफिशिएंसी 3 है, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 आ जाएगा, तो जो बी का शेयर है, बी का शेयर 45,000 आ जाएगा। ये सॉल्व हो गया हमारा, एफिशिएंसी निकालनी थी, एफिशिएंसी को वैल्यू पुट करना था, दोनों का वैल्यू दिया हुआ था 75,000, तो 1 की वैल्यू निकाल ली है अपन, यहाँ से 1 की वैल्यू 15,000 आ गई, तो शेयर ऑफ बी पूछा, शेयर ऑफ ए पूछता तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते 30,000। वैसे भी देखिए आप एफिशिएंसी ए की कम है बी की ज़्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है ए को कम मिलेगा बी को ज़्यादा मिलेगा, तो अगर हम ए का निकालना चाहें तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, ए को मिलेगा 15 टू 30, 30,000, ठीक है।
अब ये 30 + 45 75,000 हो रहा है ना, 45,000 ही है, 30,000 ही है, 75,000 हो गया। तो ये इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन कम्प्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली, ठीक है, वेन वर्किंग अलोन, अलग अलग दिया हुआ है। स्टार्टिंग विथ ए, दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल कम्प्लीटेड। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी, तो ए 10 दिन में काम खत्म कर रहा है, बी 15 दिन में काम खत्म कर रहा है, ठीक है, अकेले अकेले। लेकिन क्या कह रहा है कि अल्टरनेट डेज में काम कर रहा है, पहले ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, ठीक है, ये अल्टरनेट डेज में कर रहे हैं। जब अल्टरनेट डेज में करते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखना है इसको। सबसे पहले अपन नॉर्मल निकाल देते हैं जो अपने पास मेथड है। ए अगर 10 दिन में कर रहा है, बी अगर 15 दिन में कर रहा है, ठीक है, ये डेज है हमारे पास। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कैसे एलसीएम लेना है। तो जो टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम 30 आएगा इसका, 10 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी 30/3, 50/2, ये 3/2 एलसीएम आ गया हमारे पास, 3/2 एफिशिएंसी आ गई, सॉरी। अब देखिए क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि स्टार्टिंग विथ ए, पहले ए काम कर रहा है फिर बी कर रहा है। तो देखिए कैसे होगा, पहले ए कर रहा है, ठीक है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, ऐसे चलता जा रहा है काम। वो पूछ रहा है हाउ मेनी डेज में काम कंप्लीट होगा। तो इसको करने के लिए देखिए, जैसे पहला दिन ए किया, ए की एफिशिएंसी से पहला दिन काम किया, प्लस जो दूसरा दिन था, दूसरा दिन भी अगला दिन जो करेगा वो बी करेगा अपने बी की एफिशिएंसी से, ये 2 दिन हो गए ना, 1+1। तो ये जो है सॉरी, तो वन, ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 3, और बी की 2, तो 1 × 3 + 1 × 2, ये कितने हो गए, ये हो गया हमारे पास 3 + 2 = 5, 5 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन में। तो जो 5 यूनिट, टोटल 5 यूनिट कितने दिन में काम हुआ, ये पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, ठीक है, तो जो 5 यूनिट टोटल, 5 यूनिट हो गया, 3 + 2 5 यूनिट, तो 5 यूनिट जो काम हो रहा है ये टोटल हमारा 2 दिन में काम ख़त्म हो रहा है। 5 यूनिट जो काम हो रहा है वो 2 दिन में हो रहा है, क्योंकि पहले दिन तो ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, ए ने 3 की एफिशिएंसी से काम किया, बी ने 2 की एफिशिएंसी से काम किया, तो टोटल हो गया 5 और 2 दिन हो गए। तो 5 यूनिट काम करने में 2 दिन लग गए ए और बी को अल्टरनेट डेज में। तो पूछ रहा है कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तो हमारे पास टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, हम निकाल चुके हैं 30 यूनिट है, 30 यूनिट, तो 5 यूनिट के जब 2 दिन लगेंगे तो 30 यूनिट को काम करने में कितने दिन लगेंगे, एक्स डेज लगेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये 5 × x = 30 × 2, ठीक है, तो ये 5 से कट जाएगा, तो x बराबर 12 डेज आ जाएगा, टोटल 12 दिन लगेंगे हमको काम को ख़त्म करने में। ऐसे सॉल्व करना है आपको, देख लीजिए एक बार, कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना आप। ये था क्वेश्चन, नॉर्मल प्रोसीजर जो अपन फॉलो करते आए हैं। उसके बाद अपन क्वेश्चन को ये कह रहा है, पहले ए कर रहा है फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है फिर बी कर रहा है। तो अपन ने क्या किया, पहले 2 दिन का निकाल लिए, 2 दिन काम, 5 यूनिट, 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, तो टोटल काम हमें पता है 30 है, 30 को x दिन लगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, बी इन 15 days एंड सी इन 12 days। How soon can the work be done if A is assisted by B on 1 day and by C on the next alternatively? तो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिएगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा है, A 20 दिन में कोई काम कर रहा है, B 15 दिन में, C 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो अब assisted मतलब होता है, A is assisted by B मतलब कि A ने असिस्ट किया बी को, असिस्टेंट रखा मतलब साथ में हेल्प के लिए। ए ने पहले बी को एक पहले दिन में साथ में काम करने के लिए रखा, फिर अगले दिन ए ने सी को अपने साथ में काम करने के लिए रखा। तो पूछ रहा है टोटल वर्क कितने दिन में ख़त्म होगा। तो देखिए सबसे पहला ए 20 डेज में कोई काम ख़त्म कर रहा है, बी 15 डेज में,
और सी 12 दिन में। इसको एलसीएम लेना मैंने आपको सिखा चुका है, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ इसका एलसीएम। टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास 60, ठीक है। जो भी एलसीएम लेने में जिनको प्रॉब्लम होगी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, मैं इनको उसको लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आप पहला वीडियो देख लेना, मैं डायरेक्टली बताया था मैं आपको कैसे एलसीएम लेते हैं इसका, मैं इसमें डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो 60 इसका एलसीएम आ जाएगा और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज। तो 60 डिवाइडेड बाई 20 3 60 डिवाइड 15 15 34 64 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा ये, ठीक है 3 4 5। हाँ तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमारे पास एफिशिएंसी आ चुकी है, इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ चुकी है, ए की 3 बी की 4 और सी की 5। अब देखिएगा आगे, तो ए जो है, ए इज़ असिस्टेड बाय बी ऑन वन डे, मतलब ए ने बी के साथ मिलके पहले दिन काम किया वन डे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ए ने सी के साथ मिलके दूसरे दिन काम किया, अगले दिन सेकेंड डे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि पहले दिन में ए और बी की एफिशिएंसी कितनी, 3 और 4, ठीक है। ए और बी की जो एफिशिएंसी है 3 प्लस 4, तो ये क्या हो रहा है, 7 यूनिट काम ये ख़त्म कर रहे हैं पहले दिन में। और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की तो 3 है और सी की 5 है, तो ये 8 यूनिट काम ख़त्म हो रहा है दूसरे दिन में, ठीक है। ए ने पहले दिन बी के साथ काम किया, 7 यूनिट टोटल काम ख़त्म किया। जब ए ने दूसरे दिन सी के साथ मिलके काम किया, जब सी को असिस्ट किया, तो 8 यूनिट काम ख़त्म हुए। तो कहने क्या चाह रहा है कि जो टोटल कितने, दो दिन में ए ने कितने काम ख़त्म कर दिए, ए ने बी के साथ और सी के साथ मिलके कितने यूनिट काम ख़त्म कर दिए, तो 7 प्लस 8, तो 15 यूनिट उसने काम ख़त्म कर दिए दो दिन में बी और सी की मदद से। ए ने ऐसे ही कर रहा है, फिर ए प्लस बी काम किया पहले दिन, फिर ए प्लस सी काम किया दूसरे दिन, ठीक है, प्लस फिर ए बी के साथ काम करेगा अगले दिन, फिर ए प्लस सी के साथ काम करेगा अगले दिन, ऐसे करते 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 वो कितने दिन में पूरे काम को ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, अब हम निकाल चुके हैं पहले दो दिन का कि 15 यूनिट काम ख़त्म कर रहा है दो दिन में, ठीक है। 15 दिन में जब ख़त्म कर रहा था, हमारे पास टोटल कितने काम है, टोटल हमारे पास 60 यूनिट काम है भाई। 60 यूनिट काम ख़त्म करने में कितना दिन लगेगा, तो x डेज लगेगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 15x इज इक्वल टू 60 इंटू 20, तो 15 4 जा और ये हो गया x, हमारे पास आ गया 8 डेज, तो ये टोटल 8 दिन लगेंगे काम को ख़त्म करने में, अगर वो ए जो है ऐसे काम करेगा, ए बी के साथ पहले दिन काम करेगा, फिर ए सी के साथ दूसरे दिन काम करेगा, इस तरीके से काम ख़त्म करने में उसको 8 दिन टोटल लग जाएंगे काम ख़त्म करने में। तो ये हो गया सॉल्यूशन हमारे पास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है, 15 मैन कैन कम्प्लीट ए टास्क इन 8 डेज, ठीक है। 3 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड द वर्क 3 मोर मैन ज्वाइन, इन हाउ मेनी डेज विल ऑल ऑफ देम टुगेदर कम्प्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको बताता हूँ। पहला, अपन नॉर्मल जैसे अपन करते हैं वैसे करते हैं कि 15 मैन कैन कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, तो टोटल वर्क 8 ही आएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। तो 15 मैन की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई, 1। तो एक मैन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम लोग, तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/2, ये आ गई, ये हम यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। अब वो कह रहा है 3 दिन काम किए उनने 15 आदमी ने, फिर 3 दिन बाद ना 3 और आदमी ज्वाइन हो गए, तो कितने दिन में काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो अब देखिए, एक आदमी की एफिशिएंसी आ चुकी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि 15 मैन जो थे वो नॉर्मली उनने 3 दिन तक काम किया, ठीक है, 3 दिन तक काम किया, प्लस 3 दिन के बाद ना 3 और आदमी आ गए, तो कितने हो गए, 18 आदमी हो गए, उनने हमें नहीं पता कितने दिन तक काम किया, एक्स दिन तक काम किया, और टोटल वर्क। तो अब देखिए, एक आदमी की एफिशिएंसी हम निकाल चुके थे 1/5 15, तो 15 ये मैन की एफिशिएंसी रखनी है 1/15 × 3, प्लस 18 मैन की एफिशिएंसी रखनी है 1/15 × x, टोटल वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क हम देखें 8 है हमारे पास,
टोटल वर्क हमारे पास 8 है। अब ये कैंसिल कर देंगे, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या बचा, 3 + 6x / 5 = 8। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम कि कितने दिन लगेंगे, तो 6x / 5 = 8 - 3 हो जाएगा ये 5, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 25/6, ये आ गया, ये इतने दिन लगेंगे, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल ऑल ऑफ देम टुगेदर कम्प्लीट द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क काम खत्म करने में, ये कौन सा आया है कि 3 दिन, तो पहले 3 दिन 15 आदमी ने काम किया, और उसके बाद जो x की वैल्यू आई ना, इतने दिन और काम किया, 3 आदमी और आने के बाद इतने दिन और काम किया। अगर इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे, कभी कभी ऑप्शन फ्रैक्शन में दिया रहता है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 = 24 और ये 1, तो ये हो जाएगा 4 1/6 days, ऐसा रहता है कभी कभी ऑप्शन में। तो आप ये निकाल लेना, ये निकाल सकते हैं अपन ईजिली, 4 1/6, इतने डेज लगेंगे काम को, रिमेनिंग वर्क को काम कंप्लीट करने में। जब वो ये पूछ देता आपसे कि टोटल कितने डेज लगेंगे, इसमें ये पूछा हाउ मेनी डेज विल ऑल ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क हमारे पास क्या था, रिमेनिंग वर्क था ये, हमारे पास ये था रिमेनिंग वर्क, तो ये रिमेनिंग वर्क काम खत्म करने में एक्स डेज लग रहे थे, तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल लिया। अब अगर वो ये पूछ देता कि टोटल कितने डेज लगेंगे, टोटल कितने डेज लगेंगे, तो ये जो रिमेनिंग वर्क एक्स निकाला हमने, 25x जो हमने निकाला 25/6 को प्लस कर देंगे 3, क्योंकि पहले 3 दिन भी तो लग रहे थे ना, 15 आदमी को 3 दिन भी काम करने में लग रहे थे, तो ये 25 + 18/6 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13 × 1 = 4/6, तो ये हो जाएगा 43 को जब 6 से डिवाइड करेंगे, 6 7 = 42 हो जाएगा, ये हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 7 1/6 days, ये आ जाएगा, ये टोटल कितने दिन लगे हमको काम खत्म करने में, 7 1/6। रिमेनिंग क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें ये बोला था उसने रिमेनिंग वर्क काम खत्म करने में कितना डेज लगेगा, कितने दिन लगेंगे, तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अगर वो ये पूछता कि टोटल कितने दिन लगेंगे, तो रिमेनिंग जो डेज हमने निकाला उसमें प्लस 3 करेंगे, तो टोटल डेज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आप देख लेना ध्यान से,